नमस्कार दोस्तों, आपकी लव लाइफ को लेकर सबसे ज्यादा चिंता रहती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है लोगों को अपनी लव लाइफ को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता ये भी रहती है कि उनके जीवन में जो भी आने वाला है क्या उनको प्यार करेगा या फेक करेगी, या अगर उनके साथ उनकी साथ नहीं बनती है और हमेशा कोई ना कोई बात को लेकर उनमें वाद विवाद छिड़ता रहता है। लव लाइफ को लेकर हमेशा तनाव से ग्रस्त रहते हैं। यदि आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो आप बिल्कुल भी अपनी चिंता को ना बढ़ाएं। मेरी इस वीडियो के दौरान जान जाइए कि अपनी लव लाइफ को और भी ज़्यादा लविंग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपनी लव लाइफ को और भी ज़्यादा लविंग बनाने के लिए कोशिश करें अपने लाइफ पार्टनर के साथ हमेशा बातें शेयर करें। जो भी हुआ, चाहे ऑफिस की बात हो, अपनी बातें शेयर करें, चाहे वह सही हो या फिर गलत। लेकिन अपनी बातों को यदि थोड़ी बहुत भी शेयर करते हैं अपने पार्टनर के साथ तो उसे ये लगता है कि हाँ, वह मुझे सारी बातें बताते हैं। चाहे कुछ बातें नहीं बताते हो, लेकिन उन्हें यह अक्सर लगता है कि आप उनसे सारी बातें शेयर करते हैं। ऐसे ही अगर आप लड़की हैं तो आप भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, लेकिन नहीं बताना चाहती हैं वो बात अलग है। उसके अलावा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको शेयर करनी ज़रूरी हैं। घर में क्या हुआ, क्या किया पूरा दिन, वह सारी डिटेलिंग यदि आप अपने एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो अच्छा रहता है। कोशिश करें कि आप अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखें। यदि आप मेंटेन रखेंगे तो उनका आकर्षण अपने आप ही आपकी तरफ आएगा। और एक दूसरे के साथ घूमने के लिए कोई ना कोई नई प्लानिंग करते रहा कीजिए, या फिर कहीं यात्रा पर निकल जाइए, या फिर कहीं पर घूमने के लिए निकल जाइए, या फिर अपने ही किसी रिलेशनशिप में ही कुछ दिनों के लिए घूमने चले जाइए। ऐसा करने से आपकी थोड़ी सी स्थिति भी चेंज हो जाती है और आपके जो भी परिवर्तन आते हैं लाइफ में वो भी एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ाते हैं। हो सके तो थोड़ी सी दूरी भी बरतना ज़रूरी होता है। यदि आप थोड़ी सी दूरी बढ़ाएंगे तो वह आपके और आपके पति के बीच में हमेशा लव साइड और भी ज़्यादा मजबूत कर देती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बीच में कभी प्यार कम ना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत आपको ही करनी होगी। चाहे वह हस्बैंड हो या वाइफ, हमेशा अपनी बातों को शेयर करने के साथ साथ उनको कोई ना कोई उपहार देना भी बनता है। यदि ओकेजन ना भी हो तो भी उन्हें कोई उपहार देना अच्छा रहता है। और अपने घर में कोई भी वाद विवाद ना हो तो उसके लिए भी अच्छा है कि यदि छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है तो पति को बिल्कुल भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी और आपकी सास के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक हो गई है, क्योंकि वह थके हारे आने के बाद आपकी टेंशन को भी लेकर बैठ जाएं तो उससे आपके और आपके पति के बीच में थोड़ी सी दूरियां आ सकती हैं। तो उन दूरियों को ना आने दें तो अच्छा रहेगा। कि लव लाइफ को और भी ज़्यादा लविंग बनाने के लिए आपकी ही तैयारी ज़रूरी होती है। अगर आप एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हैं और शेयर भी करते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लव लाइफ के लिए। तो ये हैं कुछ आसान से तरीके जिनसे आप अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा लविंग बना सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।